नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिला चंबा। तो हमारे गांव में जन्माष्टमी हम कैसे मनाते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने जा रहा हूं। तो आपने जस्ट जन्माष्टमी का त्योहार जो है कई कई जगहों में अलग अलग तरीके से मनाते हुए देखा हुआ है। कई जगह पे उसका मटकी फोड़ते हैं, कई जगह लोग व्रत लेते हैं। तो हम जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाते हैं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जो है जरूर दबाएं। तो हमारे गांव में जो है जन्माष्टमी के दिन जो है हम व्रत नहीं रखते हैं। तो बच्चों को जो है थोड़ा सा उसका बाल लीला करवा के, उनको थोड़ा कुश्ती करवा के, उनका मीठा मुंह करवा के ही हम जो है कृष्ण के अवतार, उनके जन्मदिन के ऊपर इसी तरीके से कुछ खुशी मनाते हैं। तो आज मैं आपको ये सब दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखो, कुछ हम इस तरीके से जो है कृष्ण लीला करते हैं और इसी की खुशी में मीठा मुंह करके जो है कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है मनाते हैं। तो ये आपने जन्माष्टमी ऐसे कभी मनाते हुए नहीं देखा होगा। तो ये आप हिमाचल से देख रहे हो कि हमारे गांव में जो है जन्माष्टमी कुछ इस अनोखे रीति रिवाज के साथ सदियों से हम मनाते आते जा रहे हैं। तो ये देखो हमारे साथ, ये हमारी बूढ़ी अम्मा जी है, ये कम से कम 100 साल के लगभग हैं। तो ये 100 सालों से ही ऐसे ही इसी रीति रिवाज से जो है हम जो है जन्माष्टमी का त्योहार मनाते आ रहे हैं। ये देखिए पूरे गांव के बच्चे को जो है इसी तरीके से मीठा मुंह करवाते हैं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हिमाचल प्रदेश से। तो इसी ही तरीके से जो है हम हर घर पे जाके जो है ऐसे बच्चों का जो है मीठा मुंह करवाते हैं हर घर में इसी तरीके से। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे घर में। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से जो है ये बच्चों को मीठा मुंह करवाया जाएगा। तो आओ हिमाचल घर से घूमें, सेफ घूमे। तो ये अभी आप हिमाचल प्रदेश से जन्माष्टमी हम गांव में कैसे मनाते हैं ये देख रहे हैं। ये कुछ आप जो है गांव का नजारा देख सकते हैं। ये धौलाधार पहाड़ के ऊपर, टोप के ऊपर ये गांव बसा हुआ है। ये देखिए एकदम पहाड़ के सिरे के ऊपर ये गांव बसा हुआ है और अगल बगल के जो दृश्य हैं आप देख सकते हो कितना सुंदर ये पहाड़ पे गांव बसा हुआ है। ये देखो यहाँ के नज़ारे, ये देखो एकदम पहाड़ के ऊपर
ये गांव बसा हुआ है। तो ऐसे ही हर दिन हिमाचल से व्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और घर बैठे हिमाचल घूमने का लुत्फ़ उठाएं। मैं हर रोज़ हिमाचल से आपको ऐसे ही यहाँ का कुछ ना कुछ जो है नेचर दिखाता रहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं और किसी नई स्पोर्ट के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय भारत माता की, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।